हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल वंस अगेन एट लोकेशर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो युवराज बैच चल रहा है और क्लासेस चल रही हैं टेंस की। हमने इसके पहले पार्ट वन कंप्लीट कर लिया है और आज हम देख रहे हैं पार्ट नंबर टू। तो दोस्तों, इसके पहले मैंने आपको पढ़ाए थे टेंस किसे कहते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि टेंस यानी कि काल यानी कि समय, और टेंस के मैंने आपको चार टाइप बताए, तीन टाइप बताए थे। एक बताया था प्रेजेंट, एक बताया था पास्ट और एक बताया था फ्यूचर। ओके, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट में चल रहे थे, और प्रेजेंट में सबसे पहले हम चल रहे थे इनडेफिनिट पढ़ा हमने। क्या पढ़ा हमने? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण। क्या बोलते हैं? साधारण, यानी सीधे साधे। फिर इसके बाद हमने निगेटिव पढ़ा, और इसके बाद हमने क्या पढ़ा है? इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ा? इंट्रोगेटिव। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ऐसे सेंटेंसेस जिसमें इंट्रोगेटिव भी हो और साथ ही साथ क्या हो, नेगेटिव भी हो। क्या हो? इंट्रोगेटिव हो, साथ ही साथ क्या हो, नेगेटिव। मतलब दोनों रहेंगे एक तरीके से। इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी रहेगा, मतलब क्वेश्चन मार्क भी रहेगा, और दूसरा इसमें नेगेटिव चिन्ह भी रहेगा। एक नेगेटिव सेंस भी मिलेगा आपको, नकारात्मक बोलते हैं हिंदी में, निगेशन भी मिलेगा आपको। आइए कुछ एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैं कहूँ, क्या युवराज खेलता नहीं है? ओके, तो देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया है, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, मतलब कि इंट्रोगेटिव है। इसके बाद क्या लगा हुआ है, मतलब डब्ल्यू एच वर्ड भी है यहाँ पे। ओके, और साथ ही साथ खेलता नहीं है, सन निगेटिव आ रहा है, मतलब निगेटिव है। ओके, तो आइए देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्या युवराज खेलता नहीं है, है ना? तो देखिए, क्या युवराज खेलता नहीं है, अगर मैं बोलता युवराज खेलता है तो आप बोलते युवराज प्लेज। युवराज सिंगुलर है, थर्ड पर्सन युवराज प्लेज। तो क्या कहाँ से शुरू हो रहा, खेलता नहीं, और साथ में क्या आया है, तो क्या के लिए क्या लगेगा, डज। क्या लगेगा? डज, क्योंकि अकेला युवराज बस है, युवराज थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, है ना? तो डज युवराज, ओके, डज युवराज नॉट, और क्या आएगा, प्ले। यस, ओके, देखिए क्या है यहाँ पे। तो यहां पर आपके एक जो है सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म, चलिए प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। यस, बिल्कुल सही है। डज युवराज नॉट प्ले, तो देखिए क्या है इसका रूल, ये लिखा हुआ है जो हमने रूल जैसा हमने करा है वही वैसे ही इस रूल में देख लीजिए आप लोग, ये रूल लिखा हुआ है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मतलब जिसमें नेगेटिव भी हो और क्या लगाओ, इंट्रोगेटिव। तो अगर डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड हैं, डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड जैसे कि हाउ हो गया, वाई हो गया, व्हेन हो गया, विच हो गया, व्हाट हो गया, अगर ये वर्ड आएंगे तो सबसे पहले आप इसको लगाओगे। फिर डू या डज, डू या डज, अगर थर्ड पर्सन है सिंगुलर है तो डज, अगर सिंगुलर नहीं है प्लूरल है तो क्या लगाओगे, डू। फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर आएगा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट है। ओके, तो बिल्कुल सही करा हमने, यहाँ पे जो रूल लगाया है बिल्कुल वही रूल है। ओके, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको और ज़्यादा समझ में आएगा कि इसको हम कैसे करते हैं। तो कुछ और एग्जांपल में चलिए देखते हैं। जैसे क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं, क्या आसमान में सितारे नहीं चमकते हैं। ओके, यस, तो देखिए क्या है, डू द स्टार्स, डू द स्टार्स, डू सबसे पहले आ गया डू। अब डब्ल्यू एच वर्ड तो यहाँ पे है नहीं कुछ, क्योंकि क्या अवस्था, तो क्या के लिए, तो डू लग जाता है, क्या के लग जाता है, क्या डू लग गया क्या के लिए, डू द स्टार्स, स्टार्स ये क्या हो गया अपना, ये बन गया ऑब्जेक्ट, ये बन गया सब्जेक्ट, क्या बन गया सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, नॉट, क्या लगाना है, नॉट। देखो क्या क्या, डब्ल्यू एच फैमिली है ही नहीं कुछ, डू डज लग गया, फिर सब्जेक्ट है, फिर लग गया नॉट। ओके, फिर क्या है, चमकना, चमकने क्या बोलते हैं, शाइन, शाइन, और क्या है ऑब्जेक्ट, तो आकाश में, आसमान में, इन स्काई या इन द स्काई, बिल्कुल सही है, इन द स्काई। यस, और क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ओके, चलिए देखते हैं आपको कितना समझ में आया। मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता है, क्यों आ गया है, डब्ल्यू एच वर्ड है, पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता, क्यों के लिए क्या आएगा, वाई, वाई डू द पंकज नहीं आएगा, पंकज सिंगुलर होता है, थर्ड पर्सन होता है, डज आएगा, द पंकज नहीं होता, कभी किसी के नाम के आगे द नहीं लगाया जाता है, वाई डज पंकज,
पंकज नॉट स्टडी विद यू. वेरी गुड. व्हाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? पंकज तुम्हारे साथ क्यों नहीं पढ़ता? व्हाई डज पंकज नॉट स्टडी विद यू? तुम कौन सा खेल नहीं खेलते? तुम कौन सा खेल? तुम कौन आ गया? कौन मतलब क्या होगा? विच. कौन मतलब विच? ओके यस. वैसे तो वू भी होता है, आपको पता होगा वू, मगर वू नहीं लगता है क्योंकि चीजों के लिए क्या लगता है? विच लगता है. क्या लगता है चीजों के लिए? अगर इंसान होता तो इंसान के लगता वू, मगर इन चीजों के लिए क्या लगता है? विच लगता है. तो चलिए बताइए तुम कौन सा खेल नहीं खेलते. सेंटेंस है तुम कौन सा खेल नहीं खेलते. हाँ विच गेम, बिल्कुल सही. विच गेम, विच गेम है, और गेम सिंगुलर नहीं होता है, गेम प्लूरल काउंट होता है. डू यू नॉट प्ले? विच गेम डू यू नॉट प्ले? विच गेम, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आता है, फिर नाउन आ गई यानी कि सब्जेक्ट आ गया, गेम आ गया, गेम के बाद डू आ गया, ओके, फिर यू नॉट प्ले. विच गेम डू यू नॉट प्ले? मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? मम्मी उसे क्यों नहीं डांटती? सो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड वाई, डज मॉम, वाई डज मॉम नॉट स्कोल्ड हिम या हर? Why does mom not scold him? चलिए अगला बताइए. क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो? क्या तुम उसे आजकल फोन नहीं करते हो? Yes, बिल्कुल सही. Do you not आएगा. Do you not call him nowadays? बिल्कुल सही. Do you not call him nowadays? क्या रेखा स्कूल नहीं जाती है? क्या रेखा? बहुत ही सिंपल. Does रेखा, रेखा डब नॉट, वेरी गुड. रस रेखा नॉट गो टू स्कूल, ठीक है ना? कंफ्यूजन मत पालिए. डज लग गया तो फिर आपको डू नॉट लगाने की जरूरत नहीं है. आपने एक बार डज लगा दिया ना, फिर रेखा के बाद सीधे लगाना है कि आपको नॉट. क्या लगाना है? नॉट. क्लियर ना? रेखा के बाद नॉट लगाना है. नॉट के बाद वर्ब आएगी, नॉट के बाद वर्ब. क्योंकि देखिए आप रूल देखिए, रूल क्या है? सबसे पहले डब्ल्यू एच फैमिली हो तो लगा दो, नहीं तो कोई बात नहीं है. फिर डू या डज, फिर सब्जेक्ट है, और फिर नॉट है, और नॉट के बाद क्या है? वर्ब है. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लास्ट में ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ हो गया. चलिए अगला. राकेश गांव क्यों नहीं जाता है? क्यों आ गया यहाँ पे? क्यों डब्ल्यू एच वर्ड है, वाई लगेगा. तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? वाई डज के बाद दा लगाने की कोई जरूरत नहीं. राकेश, हाँ. वाई डज राकेश नॉट, वाई डज राकेश नॉट जाना, जाना राकेश गांव क्यों नहीं जाता है? वाई डज राकेश नॉट गो टू विलेज? गो टू विलेज, राकेश गांव क्यों नहीं जाता? वाई डज राकेश नॉट गो टू विलेज? ठीक है. तो बच्चों ये जो है, तो देखिए आपने सीख लिया डब्ल्यू एच वर्ड. अब एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए जितने में क्या से शुरू हुआ है, क्या, तो वहां पर व्हाट का इस्तेमाल नहीं करना है, वहां पर आपको डू या डस का इस्तेमाल करना है. जैसे कल ही मैंने बताया था कि राम खाता है, और उसके बाद मैंने बताया राम क्या खाता है, है ना? राम खाता है, राम क्या खेलता है, राम खेलता है, तो आपने क्या बताया था? राम प्लेज, पी एल ए वाई प्लेज, ठीक है ना? ये आपने लिखा था राम प्लेज. अब राम क्या खेलता है? राम क्या खेलता है? अब ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव आ गया. यस बिल्कुल सही. यहाँ पे बच्चों प्लेज की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी थी, पी एल ए वाई एस, ठीक ना? तो राम क्या खेलता है? अब देखिए क्या आ चुका है, तो आप सोचो व्हाट लगेगा, नहीं नहीं कुछ नहीं लगेगा ऐसा, है ना? राम क्या खेलता है, है ना? राम क्या खेलता है, देखिए दो चीजें हैं, क्या राम खेलता है और राम क्या खेलता है, दो अलग अलग चीजें हैं, है ना? यहां पर सेंटेंस थोड़ा ऐसा बन गया कि अब मुझे दोनों बातें करनी पड़ेंगी. राम क्या खेलता है मतलब राम कौन सा खेल खेलता है, ओके? अगर आप ऐसा सेंस ले रहे हो कि राम क्या खेलता है, किस चीज को खेलता है, तो मालूम क्या बनेगा ये? What does Ram play? What does Ram play? क्योंकि यहां पे ये जो क्या है ये आगे आएगा, सेंस लेगा. बट आप दूसरा देखो, क्या राम खेलता है, क्या राम खेलता है, मतलब अब एक्चुअली क्या है, अब सवाल है कि क्या राम की आदत में खेलना है कि नहीं है, ओके? पहले क्या था, ये अपना अलग सेंस ले रहा था कि राम क्या किस चीज को खेलता है, बट यहाँ पे अब क्या जो है अलग से सेंस नहीं ले रहा, इसी में इंक्लूड हो चुका है क्वेश्चन मार्क और ये क्या, दोनों एक ही बात हो चुकी है, ओके? क्या राम खेलता है, तो क्या लिखेंगे? डज राम
राम प्ले, डज राम प्ले। तो बच्चों आपको बहुत सावधानी से लिखना पड़ेगा कि किस चीज़ में डब्ल्यू एच वर्ड का क्या आगे लेना है, क्या कहीं नहीं लेना है, ठीक है ना? ठीक है ना? यस। जैसे मैं बोलूँगा क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, और दूसरा राम क्या खाता है, राम क्या खाता है। देखिए दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों। क्या राम खाता है मतलब डज राम ईट, और राम क्या खाता है तो ये कहाँ शुरू होगा, व्हाट डज राम ईट। ये देखिए क्वेश्चन मार्क दोनों में आएगा, मगर इसमें क्या जो है डब्ल्यू एच वर्ड का सेंस ले रहा है, मगर इस वाले में क्या जो है वो डब्ल्यू एच का सेंस नहीं ले रहा है, और कहीं पर व्हाट आपको नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं पर व्हाट आपको नहीं दिखाई दे रहा है। व्हाट के ना होने के बाद भी ये क्वेश्चन मार्क तो यहाँ पे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो बच्चों व्हाट के ना होने के बाद कौन खेल खेलता है, डू या डज, आगे कौन आता है, डू या डज, जिससे पता चलता है कि ये क्वेश्चन, ये जो सेंटेंस है ये क्वेश्चन मार्क का है। जैसे मैं इंग्लिश में लिख दूंगा एक सेंटेंस आपके लिए, डज ही गो टू स्कूल, तो मैं बोलूंगा इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करो, क्या वह पाठशाला जाता है। बिल्कुल सही, तो आपने कहा कि क्या वह पाठशाला जाता है, जाता है, क्वेश्चन मार्क नीचे भी क्वेश्चन मार्क ऊपर भी, बिल्कुल सही बताया आपने बच्चों, क्या वह पाठशाला जाता है। अब एक चीज़ समझिए बच्चों, यहाँ पर बड़े मज़े की बात है, एक चीज़ समझने वाली बात है। आपने तो बता दिया हमें कि क्या वह पाठशाला जाता है, बिल्कुल सही बताया आपने, डज ही गो टू स्कूल, आपने खुद ही सेंस ले लिया। कहीं पर आपको इस सेंटेंस में क्या कहीं पर वर्ड दिख रहा था, नहीं दिख रहा था ना, बट आपने दिमाग लगाया और आपने खुद लगा लिया क्या, क्या लगा लिया, क्या लगाया, क्योंकि आपको सेंस मिल गया। मतलब ये जो डज है ये क्वेश्चन क्रिएट करने का काम करता है, मतलब आगे डू आ जाए या आगे डज आ जाए, ये क्वेश्चन क्रिएट करने का काम करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन के लिए इनको बोलते हैं हम ऑक्सिलरी वर्ब, क्या बोलते हैं, जी हाँ, इनको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब। आप पूछोगे ना कि सर डू या डज होता क्या है, तो डू या डज जो होता है उसे बोलते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, जो बताता है कि ये सब काम प्रेजेंट में चल रहा है, किस में चल रहा है, प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में यहां पर डू या डज आ रहा है, जब आप पास्ट में काम करेंगे तो वहां पर आएगा डिड, क्या आएगा, डिड। कह रहा अभी पास्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसका मीनिंग आपको अब समझ में आएगा। यस, देखिए क्या लिखा हुआ है, वेयर टू स्टार्ट विद ऑक्सिलरी और डब्ल्यू एच फैमिली, कहां पर ऑक्सिलरी से स्टार्ट करें और कहां पर डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट करें। अगर क्वेश्चन क्या से स्टार्ट होता है, क्या राम खाता है, क्या राम खाता है, क्या राम खेलता है, तो यहां पर अगर क्या पहले आ रहा है तो क्वेश्चन किससे स्टार्ट होगा, डू से या डच से। आ गया समझ में ना? तो क्वेश्चन जो होगा किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से, किससे स्टार्ट होगा, ऑक्सिलरी वर्ब से। और अगर सेंटेंस में क्या से स्टार्ट नहीं होता है और अगर क्या बीच में आ रहा है, क्या आ रहा है, बीच में, तो अगर क्या बीच में आ रहा है, जैसे राम क्या खाता है, अभी आपने देखा राम क्या खाता है, तो उस समय डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होगा। तो लिखा है कि कोई और डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है तो उसे हम डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्या पहले आए तो डू या डज लगेगा, और अगर क्या बाद में आए तो क्या लगेगा, इसमें डब्ल्यू एच फैमिली लगेगी। ओके गाइज, तो ये कम